हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ के हमारे नाइन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टेंथ। चैप्टर टेंथ है हमारे पास सर्कल। अब सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल में हमारे पास क्या है, सबसे मेन पॉइंट इंट्रोडक्शन में देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इस सर्कल इज़ ए कलेक्शन। एक सर्कल है वो एक कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स इकट्ठा करना, एक समूह है। किसका? ऑफ दोज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का इन ए प्लेन, जो कि एक प्लेन के अंदर है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आर इक्वल, जिनकी फिक्स पॉइंट क्या है, इक्वल है किससे, सर्कल से। देखो हमारे पास से ये हमारे पास मान लिया ऐसे है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ये हमने एक सर्कल है, जब सेंटर ये है तो सेम डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पर मान लिए यहाँ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए जब हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गया, उनको मिलाने के लिए जब हमने एक फिक्स पॉइंट से, उनकी डिस्टेंस भी सेम है, इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट है, इनसे डिस्टेंस भी इक्वल है, से मिलाने के लिए जब हमने ड्रॉ किया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक सर्कल। नेक्स्ट है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ए फिक्स्ड पॉइंट। कोई भी हमारे पास सर्कल है तो उसका सेंटर क्या होता है, उसका सेंटर हमेशा फिक्स होता है। जैसे हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का ये जो सेंटर है, ये क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर रखे हमने, ऐसे ड्रॉ कर रखी है, वही हमारे पास क्या होता है, उसका सेंटर होता है, और सेंटर को हम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि सेंटर यहाँ पे मान लिया, यहाँ ऐसे कहीं नहीं मान सकते, सेंटर हमारा फिक्स होता है। नेक्स्ट है, रेडियस ऑफ इस सर्कल इज इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की रेडियस, एक सर्कल की रेडियस हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल की रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस हो गई। इसको कैसे डिफाइन किया, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द लाइन। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है, एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट को और हमारे पास सेंटर को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसकी रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास, इस सर्कल डिवाइड्स इट्स प्लेन इंटू थ्री पार्ट्स। एक सर्कल है वो हमारे पास जो प्लेन होता है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लिया ये हमारे पास सेंटर है, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास क्या बन गया, कार्टेशियन प्लेन बन गया। उसी के ऊपर हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। तो ये बोल रखा है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। थ्री पार्ट्स कौन से होंगे, एक तो देखो ये जो हमारे पास इसके अंदर का एरिया है, इसको तो हम क्या बोल देंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल के अंदर का एरिया है उसको हम क्या बोल देंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, सर्कल। सर्कल हमारे पास कौन सा होगा, ये जो पॉइंट जो हमारे पास, ये जहाँ से ये कर कवर ऐसे, इसके अंदर जैसे ये पूरी जब हमने कवर की, इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, इनको हम क्या बोल देंगे, इसको पूरे को हम क्या बोल देंगे, द सर्कल, कि जो हमने ड्रॉ कर रखा वो सर्कल। और थर्ड हमारे पास आता है, जो ये ड्रॉ करने के बाद इससे बाहर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर का, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास क्या आ जाए, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल से बाहर का एरिया। थ्री पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल ऑफ इट्स रेडियस। जो डायमीटर होता है, डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। देखो कैसे, ये हमारे पास कोई भी मान लिया सर्कल है और डायमीटर हमें ड्रॉ करना है, तो जो डायमीटर होगा वो कहाँ से आएगा, बिल्कुल सेंटर मान लिया ये था हमारा, तो सेंटर हमारा ये है, इसको ज्वाइन करते हुए निकलेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, डायमीटर। अब देखो सेंटर से यहाँ तक की क्या है, ये रेडियस है, इससे इस तरह से इधर भी ये जो है ये भी रेडियस है, और रेडियस को जब हम टू टाइम्स कर देंगे तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, डायमीटर। तो क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल ऑफ इट्स रेडियस, कि एक सर्कल का डायमीटर क्या होता है, उसकी रेडियस का डबल। ऑल रेडियस ऑफ ए सर्कल हैव द सेम लेंथ। एक हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर जितनी भी रेडियस होगी, ये वाली रेडियस भी, ये भी, इससे हमने मान लिया इधर है, ये भी हमारे पास रेडियस, ये भी वही होगी,
इधर भी वही होगी, जिधर भी हम सर्कल से ऐसे ड्रॉ करेंगे हर एक साइड इक्वल होगी। तो क्या बोल देंगे कि जो रेडियस है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल है सेम लेंथ। एक सर्कल के अंदर जितनी भी डायमीटर हैं उन सभी की लेंथ इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, टू टाइम्स रेडियस। ये हमारे पास डायमीटर है, मान लिया हमने सीधी मिलाने के लिए ऐसे कर दिया, ये भी डायमीटर हो गया हमारे पास। फिर इधर से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी डायमीटर हो गया। डायमीटर का मीनिंग क्या है, कैसे बनाते हम डायमीटर, जरूरी नहीं सिर्फ ये ही डायमीटर है। डायमीटर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या, एक तो हमारे पास सर्कल के जो दो पॉइंट्स हैं जिनको मिला रहे हैं, उन दोनों को मिलाने के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो किससे आनी चाहिए, हमारे पास सेंटर से आनी चाहिए। अगर वो सेंटर से होके निकलती है तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसका डायमीटर। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए, कैसा लाइन सेगमेंट जिसको ड्रॉ करते हुए हमारे पास सेंटर पे, जो हमारे पास सेंटर पर लाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज द लाइन सेगमेंट। एक कॉर्ड, कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, जैसे ये ड्रॉ कर दी मैंने इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए, ये तो हमारे पास जो बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ कर रखे वो तो हमारे पास क्या होता है, डायमीटर। उसके अलावा कहीं से भी ऐसे दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए, मान ली ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इधर से ऐसे कर दी, तो ये हमारे पास क्या है, उसकी कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट, एक वो लाइन सेगमेंट होती है ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, लाइंग ऑन द सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर लाई करते हैं। सर्कल के अंदर ये दो पॉइंट लाई करते हैं जिनको ये ज्वाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इट्स वॉल लेंथ। सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की पूरी लेंथ, कैसे, अगर हमें इस सर्कल की पूरी लेंथ निकालनी है कि जैसे ये हमने ड्रॉ कर रखा है, ये हमारे पास जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ कितनी है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट है द आर्क इज ए पीस ऑफ द सर्कल। आर्क हमारे पास क्या होता है, एक पीस ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक पीस होता है। जैसे जैसे ये हमारे पास है, ये क्या है, एक आर्क, इसको कितना भी ले सकते हैं, चाहे इतना लो ये भी आर्क है, चाहे इसको पूरा ले लो ये भी एक आर्क है। आर्क है क्या, एक सर्कल का ही एक पीस है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग डिवाइड्स, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है जो डायमीटर है एक सर्कल का, डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल आर्क्स, जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है कि डायमीटर। तो डायमीटर है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो पार्ट इधर रह गया, इतनी आर्क, इतनी ही आर्क इधर रहती है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक हमारे पास ये हमारे पास क्या ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल है और इसमें जो एंगल है, मान लिया हमारे पास लाइन सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल इधर भी बनेगा। एक तो क्या बोल देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट एक ही सेगमेंट पर जो एंगल बनता है वो फेस सर्कल, एक सर्कल पर वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। द पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम सर्कल आर कॉल्ड कॉन्सलिक, जो पॉइंट्स है लाइंग ऑन, लाई करते ऑन द सेम सर्कल, सेम सर्कल पर, जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इसी से हमने एक और बड़ा बना दिया, ये हमने एक और सर्कल बना दिया, तो जो पॉइंट्स वो लाई करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्सलिक सर्कल। नेक्स्ट है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, एक सेमी सर्कल का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल क्या होता है, कोई भी ये हमारे पास इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, ये हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल, ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास इस पर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। अब हमारे पास ये था इंट्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या बोल रखा है इसमें, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसका सेंटर, लाई इन ऑफ द सर्कल, सर्कल के कहाँ लाई करता है, सेंटर, सेंटर हमारा ये होता है सेंटर, तो ये सर्कल के कहाँ, इंटीरियर या एक्सटीरियर, अंदर है, तो क्या बोल देंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल।
नेक्स्ट है एट पॉइंट, वो पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसके डिस्टेंस है, एक हमारे पास ये तो हमारे पास सर्कल है और एक पॉइंट दे रखा है जिसके डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जिस डिस्टेंस ऑफ इस सर्कल, एक सर्कल पर इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, इसकी रेडियस तो यहाँ तक होगी लेकिन रेडियस से ज़्यादा है तो बाहर तक आएगा, तो क्या आ गया ग्रेटर देन इट्स रेडियस है, लाई इज, तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर भी नहीं है, सर्कल के ऊपर भी नहीं है, क्या आएगा सर्कल से बाहर, सर्कल से बाहर है तो क्या लिख देंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल से बाहर की तरफ लाई करेगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर, एक ऐसी आर्क है जिसकी एक ये हमारे पास एक ऐसी आर्क ड्रॉ कर दी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ऐसी आर्क ड्रॉ कर दी जिसका जो एंड है वो डायमीटर पर होता है, ये हमारे पास डायमीटर है, इसका एंड हमेशा डायमीटर पर होता है, तो क्या बोल देंगे उसको हमें सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल, सेगमेंट, सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास सी लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक आर्क होगी और एक कॉर्ड होगी, इन दोनों के बीच की जो हमारे पास ये है इसको हम क्या बोलते हैं सेगमेंट, ये हमारे पास हो गई इसकी सेगमेंट, तो क्या बोलती है किस किस के बीच की डिस्टेंस है ये, एक तो हमारे पास इन्होंने देर का एक आर्क के बीच की डिस्टेंस है और किस किस बीच की है कॉर्ड की ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इस सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, एक सर्कल है वो प्लेन को डिवाइड करता है ऑन विच इट लाई, और वो लाई करता है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें, फर्स्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द सेंटर, जो सेंटर को ज्वाइन करता है टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑन द सर्कल, सर्कल पर ऑफ ए रेडियस ऑफ द सर्कल, हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ये बोल दिया लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है सेंटर को, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू। इस सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, एक सर्कल के अंदर ओनली फाइनाइट्स इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं एक सर्कल के अंदर कितनी भी इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है इनफाइनाइट होती है, तो क्या बोल देंगे फॉल्स। थर्ड है हमारे पास इफ़ इस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स, जो सर्कल है वो डिवाइड होता है थ्री पार्ट्स के अंदर बट तीनों के तीनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो क्या बोल देंगे, इन्होंने बोल रखा थ्री इक्वल आर्क है, कि एक सर्कल है वो तीनों की तीनों इक्वल आर्क में ड्रॉ होता है, ईच इज मेजर आर्क और हर एक है वो मेजर आर्क है, ये तो पॉसिबल नहीं है, मेजर क्या होता है बड़ा होता है हमारे पास, तो हर एक आर्क बड़ी होगी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ हमारे पास कुछ छोटा भी होगी कोई बड़ी भी होगी या फिर सभी की सभी इक्वल होंगी, इन्होंने तो बोल दिया हर एक बड़ी है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या बोल देंगे फॉल्स। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस है, जो कि रेडियस का ट्वाइस है इज डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस का ट्वाइस क्या होता है डायमीटर होता है, डायमीटर है वो क्या है कॉर्ड है सर्कल की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, सेक्टर, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया सेक्टर, सेक्टर क्या होता है जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर से ये भी रेडियस है और सेंटर से ये भी रेडियस है, तो इनके बीच की जो हमारे पास ये डिस्टेंस हो गई, ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम क्या बोल देंगे सेक्टर का एरिया, ये हमारे पास सेक्टर है, तो ये बोल रखा है इन्होंने ये जो सेक्टर है ये क्या होता है, सेक्टर इज द रीजन, सेक्टर के अंदर वो रीजन होता है बिटवीन द कॉर्ड, जो कि कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में होता है, बट यहाँ तो कॉर्ड कोई है ही नहीं, कॉर्ड होती तो ये होती, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया तो किस में होता है सेगमेंट में होता है, इसके अंदर तो किसका होता है ये हमारे पास क्या है दो रेडियस हैं, रेडियस के और आर्क के बीच का एरिया होता है हमारे पास, तो क्या बोल देंगे इसको फॉल्स। इस सर्कल इज ए प्लेन फिगर, सर्कल है वो एक प्लेन फिगर है, कैसे सर्कल अगर हमारे पास कभी भी ये बोल दिया जाता आपको कि एक सर्कल की शेप में है, कोई भी अगर हमारे पास ऐसे बिल्कुल ऐसे शेप में होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे सर्कल की शेप में, बट हम उसको ये नहीं बोल सकते सर्कल है, क्यों, क्योंकि सर्कल एक टू साइडेड फिगर होती है जिसको हम कभी भी उठा नहीं सकते, तो इसीलिए हमारे पास क्या बोल देंगे कि सर्कल है वो कैसी एक प्लेन फिगर है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, जिसको हम रख सकते हैं लेकिन उठा
नहीं सकते उसकी थर्ड साइड को, तो वो क्या हो गया, एक प्लेन फिगर हो गई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ट्यूब। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। ओके, थैंक यू।